वॉल्वो XC40। बात करेंगे इसके गुड और इसके बैड की। उससे पहले कि मैं पूरी बात बताऊं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो जहां पे डेली हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालते हैं। हमारी बहुत सारी सीरीज है, जैसे 3 रीजन आपको कोई गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, किसी भी गाड़ी का गुड बैड, और साथ ही किसी भी गाड़ी में डिफरेंसेस क्या क्या है। उसी के साथ टॉर्क एन ओरिजिनल्स की कुछ सीरीज जहां पे आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिलेगी, जो आपको 2% स्मार्ट बनाएगी डेली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इसकी अच्छाई की। तो सबसे पहली जो इसकी अच्छाई है वो इसका माइल्ड हाइब्रिड होना, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है, काफ़ी अच्छा लीनियर पावर भी जनरेट करती है। इसमें जो 45 वॉट की जो बैटरी होती है वो इसमें एक एड ऑन साबित होती है और इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा ऐसे पंप सा देती है। इसकी दूसरी अच्छाई की, देखिए वॉल्वो जानी जाती है अपनी सेफ्टी, राइड क्वालिटी, इन सारी चीज़ों के लिए। उसी में से एक ये अच्छाई है, जो कह लो आप सिंपल टर्म में, गाड़ी काफ़ी प्लांटेड फील होती है जब आप इसको हाईवे पे चलाते हो। काफ़ी मस्त राइड है इस गाड़ी की, ऐसे मज़ा सा आ जाता है जब आप इस गाड़ी को लेके निकलते हो, चाहे हाई स्पीड हो चाहे लो स्पीड, आपको मज़ा आने वाला है। बात करेंगे इसकी तीसरी अच्छाई की, जो है इसका सब कुछ अच्छा है, क्वालिटी है, वो फिट हो, फिनिश हो, इंटीरियर हो, सब कुछ बिल्कुल प्लांटेड और काफ़ी परफेक्ट, काफ़ी सोच के बनाया हुआ है इंटीरियर, काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। बात करेंगे इसकी बुराई की, जो पीछे की सीट है वो काफ़ी ऐसे लिमिटेड सी हो जाती है, जो 4 लोगों से ज़्यादा की गाड़ी नहीं है, 4 लोग ही बैठ सकते हैं, 5वां बंदा काफ़ी अनकम्फर्टेबल बैठेगा, शोल्डर रूम भी नहीं होता है, नी रूम में भी प्रॉब्लम आती है जो बीच वाला बंदा होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक इसका डिसएडवांटेज है। करेंगे इसकी आखिरी बुराई की, वो है इसकी प्राइस। इस प्राइस में इससे ज़्यादा फास्ट और इससे मोर बेटर, मोर लग्जरियस कार अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो है सेल्स काफी डाउन है कंपेयर टू अदर कार। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।